हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का पेट का मोटापा बढ़ता ही जा रहा है और उनके कमर में भी दर्द रह रहा है, तो वो कोई भारी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या किसी भी तरह का ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर पाते कमर दर्द के कारण, तो उनके लिए आज मैं बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिससे अगर आप चाहो तो अपने बेड पर भी बैठकर कर सकते हो। और अगर आप इस एक्सरसाइज को रोज करते हो ना, तो इससे आपका पेट का मोटापा कम होगा, आपका साइड फैट कम होगा, और जो आपका कमर दर्द है उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस सिंपल एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे पेट के मोटापे को, अपने कमर दर्द को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। उसके लिए आपको आराम से इस तरह से पलथियां मार के बैठ जाना, बस अपने कमर को, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से झुककर नहीं रखना है, इस तरह से सीधा कर लेना है। हाथों को इस तरीके से ऊपर दोनों हाथों को, और सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए इस तरह से एक हाथ पीछे, एक हाथ को इस तरह घुटने पे लाना, अपने सिर को पीछे की ओर करके इस तरीके से आपको देखना। आप यहाँ पे आके 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुकना है। फिर से दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर, सांसें भरे, फिर सांसें छोड़ते हुए एक हाथ पीछे, दूसरे हाथ को इस तरह पैर के घुटनों के पास, और अपने सिर को पीछे की ओर करना। और इस तरह से आपको आके यहाँ पे 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुकना है। तो इस तरीके से करना, जैसे हाथे ऊपर, सांस भरे, सांसें छोड़ते हुए, जैसे 1, फिर सांस भरे, सांसें छोड़ते हुए साइड में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से आपको शुरू में 10th बार करना है, उसके बाद आप 20 बार करें, फिर 30 बार करें। तो इस तरह से करके कम से कम 20 से 30 बार तक करते एक्सरसाइज है। उसमें आपको क्या करना है, आराम से इसी तरीके से बैठना है, बस अपने एक हाथ को इस तरह से जमीन पे साइड में रख देना है, दूसरे हाथ को इस तरीके से कान के ऊपर लेके आना है, और धीरे धीरे ये हाथ आगे की ओर, और यहाँ के बस इस तरीके से इतना ही आके आपको स्ट्रेच करना है। हो सके अगर आप झुक सकते तो इस हाथ को और नीचे ला सकते तो इस तरह लाना है, और एक हाथ कान के ऊपर से इस तरीके से आएगा। और यहाँ आके भी आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुकना है। जब आप रुकोगे तो अपना साइड में इतना अच्छा खिंचाव पाओगे, आप खुद इसका असर अपने कमर पे, अपने पेट पर देखोगे। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको अच्छा लगे ये एक्सरसाइज तो। और हो सके तो आप मुझे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आके आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुकना है, जितना आप झुक सकते उतना झुकना है, बिल्कुल कंधा को ऐसे झुकाना नहीं, सीधा कान के ऊपर जाना है। तो इस तरीके से करना है, जैसे 1, फिर इस साइड, 2, 3, 4, और बिल्कुल आराम आराम से करें, एकदम जल्दी जल्दी करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह शुरू में आप जब कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप 10th बार ही करें, उसके बाद 20 फिर 30 बार तक इसी का टाइम बढ़ाकर लेकर जाएं। जब आप ऐसा करोगे आप खुद देखना साइड में आपका एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको इस तरह लेट जाना है, पेट के बल दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों के पास रखना है, सिर आगे की ओर, सांसें भरना है, और इस तरह अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है। यहाँ भी आके आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुकना है, सिर को ऊपर की ओर रखे, फिर नीचे। इस तरह से कम शुरू में आप 5 से 10th बार करें, उसके बाद 20 से 30 बार। तो इस तरह से फिर से सिर को ऊपर फिर नीचे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से शुरू में आपको 10th बार करना है, फिर इसका टाइम बढ़ा के 20 से 30 बार जरूर करें, 30 से 50 बार। तो इससे आपके कमर में भी आपको आराम मिलेगा, और जो बॉडी है वो बिल्कुल एक शेप में आएगी, आपका पेट अंदर होगा। तो बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज है। उसमें अपने क्या करना है, दोनों हाथ की जो हथेलियां है,
उनको अपने इस तरीके से गले के पास, ठुड्डी के पास लगा लेना है बिल्कुल आराम से, जैसे आप टीवी देखते हो, आप बच्चों को देखते होंगे कि वो खेलते इसी तरह बिस्तर पे लेट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपने हाथों पे इस तरीके से कोहनी को लगा लेना है। हाथ की हथेलियों को अपने सिर के पास या ठुड्डी पास लगा लेना और इस तरीके से बस आपको एक पैर को उठाना है पीछे से, फिर दूसरा, और पूरा नहीं उठाना, बस घुटनों के नीचे तक अपने तलों को इस तरीके से उठाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बिल्कुल सिंपल है, धीरे धीरे करके एक एक पैर को इस तरह से उठाना है और हाथों को इस तरह से अपने ठुड्डी के पास लगा के रखना है। और ऐसा पहले आपको एक एक पैर से करना है, 10th बार कर ले, उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से उठा के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, बस इस तरीके से आपको करना है 5 से 10th बार, 20 बार, जितना बार भी आप कर सकते करें, फिर बिल्कुल आराम से, एकदम आराम से रिलैक्स है। उसके लिए अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर अपने सिर के पास लगा लेना है, और जो आपके पैर का घुटना आपस में सटा हुआ रहेगा, पैर के तलवा भी आपस में दोनों सटे हुए रहेंगे, एरिया सटा हुआ रहेगा, तो इस तरीके से आपको सांसें भरना है और एक साइड अपने दोनों पैरों को झुका देना है, अपने सिर को पीछे साइड रखना है और यहाँ आके आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए रुकना है। उसके बाद इस साइड से उठे और बिल्कुल आराम आराम से फिर इस साइड कर दे और अपने सिर को दूसरे साइड में रखे। और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका जो ये कमर में है इतना अच्छा खिंचाव आ रहा है, जब आपका जो इसका साइड फैट है बहुत ज्यादा, यहाँ पे मोटापा है कमर के पास, बहुत ज्यादा दर्द है, उसको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, आप इस तरह करके देखें। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद बिल्कुल आराम से पैर सीधा कर सकते हैं। उसके लिए अपने पैरों को इस तरीके से कर लेना है, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो। और आपको अपने हाथों को, जैसे कमर में बहुत ज्यादा जिनका दर्द है वो अपने दोनों हाथ को इस तरह कमर के पास लगा सकते हैं, जिनका जहाँ पे दर्द है, एक हाथ के दूसरे हाथ को ऊपर रख के, एक तरह हाथ की हथेलियों को दूसरे हाथ की हथेलियों पर रख के, अगर आपके कमर में जहाँ पे दर्द है वहां पे इस तरीके से लगा ले और उसके बाद करें। और जिनको दर्द नहीं है वो अपने हाथों को सीधा आगे की ओर रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको दर्द है वो अपने कमर में इस तरीके से हाथों के हथेलियों के ऊपर हथेली रख के अंदर से हाथों को घुसा ले और इस तरीके से अपने कमर को आपको ऊपर की ओर उठाना है। लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो अपने हाथों से इस तरह अपने कमर को पकड़ सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा सपोर्ट मिले और उनके कमर पे ज्यादा जोर ना पड़े। तो इस तरह से आप पकड़ के कुछ सेकंड के लिए रुके, जैसे 5-10 सेकंड रुके, फिर हाथों की हथेलियों को नीचे उसी के ऊपर अपने कमर को रखें। जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो ऐसा करें और जिनके दर्द नहीं है वो सिंपल इस तरीके से अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर नीचे, जैसे 1, फिर से कमर को उठाएं, फिर नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आराम से। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से पैरों को करना है, एक पैर को इस पैर के ऊपर चढ़ा लेना है, आप अपने हाथ को आराम से पीछे करके लगा सकते हैं और इस तरीके से अपने एक पैर को झुकाना है, एक पैर इसके ऊपर रहेगा और यहाँ आके आपको 5-10 सेकंड के लिए रुकना, अपने सिर को पीछे की ओर रखना है, फिर से पैरों को ऊपर, फिर से इस तरीके से करें, जैसे 1, फिर नीचे और बिल्कुल आराम आराम से करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जितना झुका सकते हैं उतना झुकाना है, सिर को अपना सीधा ही रखना है, पीछे की ओर उस साइड नहीं रखना है जिस साइड पैर झुकाएंगे। अब दूसरे पैर से भी आपको उसी तरह करना है, तो इस पैर को नीचे और इस पैर को इस पैर के ऊपर रख देना है, जैसे इस तरीके से अब अपने सिर को इस साइड रखेंगे और पैरों को इस साइड लेकर जाएंगे और यहाँ आके आपको 5-10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर पैरों को ऊपर, जैसे इस तरीके से 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस तरीके से टेंथ बार करना है, दोनों साइड से आप फाइव फाइव बार भी कर सकते हैं, फिर बिल्कुल आराम। तो दोस्तों अगर आप रोज बस इतना सा एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो इससे आपका जो पेट का मोटापा है, साइड फैट है, वो बहुत जल्दी कम होगा, और जो आपका कमर दर्द है उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।